पार्ट थ्री की स्टार्टिंग में कानों को डेट के लिए मान ही नहीं रही थी, बहुत ज्यादा नखरे दिखा रही थी क्योंकि ये बात लीक हो सकती थी। बट कगाया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, तो कुछ देर कंसर्न करने के बाद कानों को बताती है कि वो जाना चाहती है। कगाया बोलता है, और कहाँ जाना चाहोगी? नेक्स्ट सीन में हम कानोको को इस सब के बारे में सोचते हुए देखते हैं और इस सब के बारे में सोचते हुए इरिटेट होते हुए भी देखते हैं। बट तभी वहाँ एडिटर आकर उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं और जल्द ही कगाया के साथ दूसरे काम की तैयारी करने को बोलते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम इन दोनों को साथ देखते हैं जहाँ कानोको ने डेट के लिए सेमेट्री जाने का प्लान बनाया था। कगाया बोलता है, लगता है तुमने इससे पहले कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है, अच्छा रहेगा कि हम सिनेमा चले। कगाया उसे अपना हाथ देता है जिससे कानों को पकड़ लेती है और वो उसे बोलती है, अगर कोई हमारी फोटो ले लेगा और मैगजीन में डालकर रूमर्स फैला देगा तो तुम क्या करोगे? जिसे कगाया बोलता है उसे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और फिर कानों को देखती है कि उसने उसका जो हाथ पकड़ा हुआ है उसमें चोट लगी थी और कगाया ने अपने हाथ के बैंडेज को भी खोल दिया था, जिस वजह से वो उसे डांटने लगती है और उसके दूसरे हाथ को पकड़ लेती है। फिर कगाया उसको सिनेमा लेकर आता है जहां हमें कानों को बहुत नर्वस दिख रही थी। दोनों सिनेमा के अंदर आते हैं कानों की नजर सिर्फ कगाया के चामनेस में थी। कगाया बोलता है, मुझे मत देखो, मूवी को देखो। और फिर दोनों बाहर आ जाते हैं मूवी देख के, जहाँ पे कॉल की वजह से थोड़े देर के लिए कगाया को जाना पड़ता है। वहाँ मोची कानोको को देख बोलता है कि तुम यहाँ अकेले हो। वो कुछ बोलती कि वहाँ मिशिमा आ जाती है और उसके बाद वहाँ कगाया भी आ जाता है और हमें पता चलता है मिशिमा चीफ की बेटी है और वो भी एक अच्छी राइटर है। मिशिमा भी उन दोनों के साथ जाने के लिए जिद करने लगती है। कानोको का मन नहीं था उन्हें साथ ले जाने का, बट कगाया ने अग्री कर दिया था जिसकी वजह से वो मान जाती है। और वो चारों आते हैं एक प्लेस जहाँ मिशिमा मोची के साथ जबरदस्ती फोटोज निकाल रही थी और तभी कानोको और कगाया भी फोटोज लेने लगते हैं, जिसे मोची भी देखता है। तो मिशिमा बोलती है, तुम्हें डर है कि ये दोनों साथ हो जाएंगे? कानोको कगाया को सच में पसंद करती है। तो मोची बोलता है कि क्या यह सच है? तो मिशिमा बोलती है, और क्या, वो करती ही है। लेकिन मिशिमा को अजीब लग रहा था, वो ऐसे बंदे को कैसे पसंद कर सकती है। और मिशिमा उन दोनों के पास कर बोलने लगती है कि उसे भूख लगी है। अगले सीन में कानोको मिशिमा को कगाया के बारे में पूछ रही थी कि वो उसे पसंद करती है क्या, तो कानोको उसे बड़े ही टिपिकल तरीके से बोलती है कि हाँ वो उसे पसंद करती है, बट उसे सही से पता नहीं है ये सब के बारे में। ये सब सुनकर मिशिमा को बहुत अजीब लग रहा था। इधर कगाया मोची से पूछता है वो उसे क्यों मिलना चाहता था, तो मोची बोलता है उसका असली इंटेंट क्या है, मैं कानोको की फीलिंग्स तुम्हारे प्रति समझ गया हूँ। इधर मिशिमा कानोको की सो कॉल सी बात सुनकर उस पर चिल्लाने लगती है और ये सब सुनकर कानोको कगाया के पास भाग कर जाती है। मिशिमा इधर सोचती है, उसने तो बस अपने एनिमी को रास्ते से हटाया था। गाइज, आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। कानों को कगाया के पीछे से उसकी बातें सुन रही थी, जहाँ कगाया बोलता है कि वो कानोको को कुछ चांस देगा अपोजिट सेक्स के लिए। और ये तो है ही कि आज उसका पहला प्यार खत्म होने वाला है, जो सुन के कानोको वहाँ से भाग जाती है। शायद अपने पीछे कगाया ने कानोको को देख लिया था जिससे कि उसने ये सब बोला। इधर कानोको सोच रही थी कि इसी वजह से वो मुझे डेट पर लेके आया, वो मुझे कभी पसंद कर ही नहीं सकता है। कगाया और मोची खाना लेकर आते हैं जहाँ कानोको नहीं थी, बट कानोको उसी वक्त वहाँ आती है जहाँ वो बहाने बनाने लगती है, जहाँ उसे अभी भी कगाया के साथ गुजारे हुए वक्त याद आने लगते हैं जिसे अब उसका दिल टूटने लगा था। और वो बाथरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और वहाँ मोची नोटिस करता है कि इतना वक्त हो गया कानोको अभी तक आई नहीं, और वो कानोको को ढूंढते हुए उसके पास जाकर उसका हाथ अचानक से पकड़ लेता है। इधर मिशिमा और कगाया में बात चल रही थी। कगाया मिशिमा के बोलने पर बोलता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कानोको यहाँ से गई भी तो, लेकिन मिशिमा बोलती है उसके चेहरे को क्या हुआ है। इधर मोची कानोको से पूछ रहा था कि क्या सच में वो कगाया को पसंद करती है और वो उसे हक कर लेता है। मोची बोलता है वो अगर अच्छा नहीं है तो बनेगा, क्योंकि वो कानोको को पसंद करता है और उन्हें इस हाल में कगाया देख लेता है, जिसे देखते ही कानोको मोची को खुद से अलग कर लेती है और कगाया उसे अपने साथ पकड़ के वहां से लेकर एक हाइट वाली राइड में लेकर आ जाता है, जहां वो उसे बताता है कि उसे हाइट से थोड़ा डर लगता है, जिससे कानोको उस डब्बे को हिलाने लगती है और वो डरने लगता है और कानोको इस बात पर हंसने लगती है। कगाया पूछता है क्या उसने तुम्हें कन्फेस किया, और वैसे भी तुम पर वो सूट करता है। तो कानोको बोलती है तो तुम मुझे वहां से भगा कर क्यों लाए। और फिर कानोको मन में सोचने लगती है कि कगाया ने
उससे माफ़ी भी नहीं मांगी। वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और बोलती है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साइड हूँ और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते कि ये एक प्यार है, तो प्लीज़ मुझे प्रॉपरली रिजेक्ट कर दो, तब ना मैं तुम पर से ध्यान हटाकर एक अच्छी एडिटर बनूंगी। और कगाया उसे कुछ बोलने के अलावा उसे किस कर लेता है। इधर मोची बोलता है वो कितना अनुकूल है। मिशिमा बोलती है कि नहीं, वो अनुकूल नहीं है बल्कि वो कूल है, क्योंकि उसने भागने की जगह अपनी फीलिंग को कन्फेस किया। इधर कानोको और कगाया घर हाथों में हाथ डालकर आते हैं। नेक्स्ट सीन में कानोको को बस कगाया का ख्याल आ रहा था और कगाया भी अलग अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। कगाया कानोको का बाज उगा रहा था, जिसे कानोको बोलती है उस किस का क्या मतलब था। कगाया उसको हक करके बोलता है वो उसे अटैच्ड हो गया है। कगाया उसे बोलता है कि वो ये सब करने पर रिग्रेट करेगी। कानोको बोलती है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है जो तुम बोल रहे हो, बट जो भी है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं वर्जिन हूँ और मुझे तुम्हारी क्रेविंग हो रही है। जिसे कगाया बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कानोको बोलती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। दोनों इंटीमेट होने ही वाले थे कि कानोको बोल देती है लगता है जैसे हमें मून देख रहा है। जिसे कगाया को अच्छा नहीं लगने लगता है और वो कानोको को घर जाने को बोलने लगता है और फिर वो वहाँ से खुद उठ के चला जाता है। अगले सीन में हम कगाया और अरायके को कैफे में देखते हैं। अरायके तुरंत समझ जाती है कि उसका और उस लड़की के साथ कुछ तो मसला हुआ है। कगाया बोलता है तुमसे मैं एक्सपेक्ट भी यही करता था। अरायके बोलती है कि तुम उससे प्यार करने लगे हो क्या। कगाया बोलता है कि वो इस सब के लिए कैपेबल नहीं है। अरायके बोलती है टर्न बैक कर लो फिर, बट मुझे उसके लिए बुरा फील हो रहा है, लेकिन वो कगाया के लिए हर वक्त हाजिर है। कगाया बोलता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बताती है नहीं। तो कगाया बोलता है तो तुमने मुझ पर टॉर्च ऑन करके रखा हुआ है। अरायके बोलती है कि ऐसा नहीं है, अगर होता तो इतने सालों में पहले ही हो जाता, वैसे मुझे किसी के साथ प्यार नहीं होता। कगाया बोलता है हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अरायका बोलती है बट वो खुश नहीं है और हमें अरायके के चेहरे में सच में कोई खुशी नहीं दिखती। हम यहाँ कानोको को परेशान देखते हैं, जिधर कगाया आकर उसे बातें करने लगता है। इधर एडिटर और अरायके को हम साथ देखते हैं, जो एडिटर को बोल रही थी उन्हें कगाया की न्यू एडिटर को चुन लेना चाहिए। तो एडिटर बोलते हैं कि वो ठीक तो है। अरायके बोलती है किस चीज को लेकर, और हमें अरायके के चेहरे में यहाँ अलग से ही परेशानी दिखती है। इधर मोची अपने साथ कानोको को कुछ खाने चलने को बोलता है। कानोको को मोची एक बहुत पॉपुलर रेस्टोरेंट लेकर आता है, जिस वजह से वो खुश हो जाती है और बातों बातों में उससे कगाया का नाम निकल जाता है, जिस वजह से कानोको मोची से माफी मांगने लगती है। बट मोची बोलता है कि तुम किस वजह से मुझसे माफी मांग रही हो, मैं तो ग्लैड हूँ कि तुम खुश हो। दोनों खाना खा के आते हैं, जहाँ मोची को वो बता देती है कि उसने कगाया को बता दिया है कि वो उसे पसंद करती है। उसने कहा कि वो भी मुझे पसंद करता है। मोची बोलता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को देख रहे हो। कानोको को लास्ट नाइट का मोमेंट याद आने लगता है, जो सोचकर वो हाँ बोल देती है। कानोको बोलती है उसे बुरा फील हो रहा है कि वो उसकी फीलिंग्स को रिटर्न बैक नहीं कर सकती। मोची बोलता है वो उसे पसंद करता है और उस पर गिव अप नहीं कर सकता है। तो फिर वो उसके करीब जाकर बोलता है कि वो उसका एडवांटेज लेने में कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगले ही पल वो बस उसके सर को सहलाकर और उसके करीब जाकर वहां से चला जाता है। दोनों के लिए ये मोमेंट काफी हार्ड था। नेक्स्ट मॉर्निंग एडिटर कानोको को सुना रहे थे, तो एडिटर बोलते हैं लगता है तुम कगाया को पसंद करती हो। कानोको हंसते हुए बोलती है ये आप क्या बोल रहे हैं। तो एडिटर उसे प्यार को लेकर लेक्चर देने लगते हैं, जो सुनकर कानोको उन्हें ओके बोल देती है। कानोको चांद को देखते हुए बोल रही थी उसे कगाया को एक औरत और एडिटर दोनों बने रहते हुए प्यार करना है। इधर हम कगाया को हाथ में एक बॉक्स लिए हुए देखते हैं और तभी इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।